पहली दफा मिलते जब गुड मॉर्निंग ही बोल सकते हैं ना। देखो बेटा आज हम लोग आपको, आपके जैसे बच्चे ये भी है ना, इनको लेके आए हैं। आप क्यों लेके आए हैं तो आपको बताता हूँ। हम लोग मैथ पढ़ते हैं, टेबल्स लर्न करते हैं, करते हैं ना हम लोग टेबल्स लर्न, ठीक है ना। और हम टेबल्स लर्न करते हैं और एक टाइम के बाद भूल जाते हैं हम लोग टेबल्स को, होता है ना। और अगर हम लोगों को एडिशन करना हो, मल्टीप्लाई करना हो, तो हम लोगों को बहुत टाइम लग जाता है, लग जाता है ना। तो अब हम आपके स्कूल में एक अबेकस को चालू करने वाले हैं। अभी अबेकस क्या है कि अबेकस से आप लोग अपना मैथ इतना अच्छा कर लोगे कि आप जिनको पेन से कैलकुलेटर से भी नहीं कर सकते ना, उससे भी फास्ट आप लोग मैथमेटिक्स करने लग जाओगे। आपको टेबल्स लर्न करते हो 20 तक 25 तक और उसके बाद भूल जाते हो, है ना। लेकिन जब हम लोग आपको अबेकस सिखाएंगे तो आपको पता है आप 50,000 तक टेबल लिख सकते हो और कितना भी फास्ट बच्चे आप टेबल बोल सकते हो। मैं भी आपके सामने बोलवाऊंगा, आप देखोगे जिनको आप नंबर्स को सुन भी नहीं पाओगे उससे फास्ट बच्चे करने लग जाते हैं कैलकुलेशन। अच्छा, आपको केवल मैथ ही अच्छा नहीं होगा, आपका जो मेमोरी है ना वो भी अच्छा हो जाएगा। जैसे अभी मैं आपसे कहूँ 6 8 9 3 3 4 5, अब आप बता सकते हो मैंने क्या क्या नंबर बोला? नहीं बता सकते ना, क्योंकि हमारे कान, हमारा ब्रेन अभी हम इसके लिए ट्रेंड ही नहीं है इतना फास्ट नंबर को सुनने, उसको मेमोराइज करने, नहीं है ना। और अभी देखो ये बच्चे इतना फास्ट हम नंबर बोलेंगे, उसके बाद भी सुनेंगे, मेमोराइज करेंगे और वो ऐड भी करेंगे, ठीक है ना। और अभी ये जो बच्चे है इनका कोर्स पूरा ही हुआ है अभी, ठीक है ना। क्योंकि जिनका कोर्स पूरा होने वाला है उन बच्चों को लेके आता मैं, लेकिन उनका 2:30 बजे तक स्कूल चल रहा है उन लोगों का, है ना। तो इसकी वजह से ये बच्चों को लेके आ गया मैं, दोबारा कभी और उन बच्चों को लेके आऊंगा मैं जिन लोगों का कोर्स पूरा होने वाला है। अभी इनका 50% कोर्स ही पूरा नहीं हुआ है, तो जितना हुआ है उतना तो ये लोग करके दिखाएंगे आपको, ठीक है ना। सिंगल ही 20 लोग, आप भी मोबाइल में ऐड करके देखो सही है गलत है, ठीक है ना। फिर मैं आपको दूंगा, आप करके देखना इस क्वेश्चन, जैसे मैं पूछ रहा हूँ ऐसे ही फिर आप पूछना, ठीक है, ताकि ऐसा नहीं लगे कि क्वेश्चन घट तो ही आए। निकालिए मोबाइल, करो स्टार्ट। 7 6 5 5 4 4 5 2 7 2 6 5 3 3 2 1 9 4 9, that is 89। निकल पाए मोबाइल से? अब देख लो आप कैलकुलेटर से जितना फास्ट नहीं कर पाए, ठीक है ना। अब आपके सर पूछेंगे, इसमें करीब 40,000 क्वेश्चन है, है ना। अब आप लोग पानी से बस तो आपको एड्रेस कर दो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, है ना। आपके लिए बहुत अच्छा, मैथ भी अच्छा नहीं है, आपको पता है इनका लिसनिंग पावर, सुनने की कैपेसिटी कितना तेज है, ठीक है। अभी थोड़े घबराए हुए भी हैं, क्योंकि पहली दफा इतने सारे बच्चों के सामने आए, आपके जैसे बच्चे हैं। उसके बाद सुनना और कैलकुलेट करना, मैथ तो बाद की बात है, सुनकर उसको मेमोराइज करना कितना इम्पोर्टेंट चीज है। बोलो सर, इधर इधर आ जाओ, पूरी लाइन बोल देना सर, हाँ ऐसा कहीं से भी कोई भी लाइन। आपको योग पता है, अगर इसमें नीचे योग भी होगा, नीचे योग भी है, बच्चे आपके पास सुन सके, पूरा बोल कहीं से भी आपकी चॉइस हो जो बोलना। चलो मैं को बताता हूँ कौन सा, ठीक है। हाँ, 5 6 2 6 8 1 5 2 3 6 4 7 5 1 7 5 5 3 9 1, that is 91। और अब देखो, अब आप बोलो कोई एक नंबर दो, उसका टेबल बोल के दिखाएंगे आपको, ठीक है ना। कोई भी एक नंबर दिया जाए उसका टेबल आपको बोल के दिखाएंगे। बोलो एक नंबर दो कोई सा भी, 100 तक दे दो कोई भी टेबल, 36 39 39, कौन बोलेगा तो बोलोगे 39 39 78 117 156 195 1234 273 312
ठीक है, अभी थोड़े से घबराए हुए हैं आपके सामने, आपके पहली बार स्कूल में आए बेटा है, दूसरे स्कूल से आपके यहाँ पे आए हैं, है ना, इंतजार कर लो। 39 के बहुत बुलाए हैं। और देखो आपको सामने मल्टीप्लाई भी कराएंगे इससे, ठीक है ना, डबल डिजिट 5, 30, 47, 91, 25, 36, 38, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, और ऐसा नहीं है कुछ जादू कर रहे हैं, ये आप भी करोगे, ठीक है। और अभी इनका आधा कोर्स हुआ है, जब ये पूरा कोर्स होगा तो इससे भी बेटर और इससे भी फास्ट और इससे भी अच्छा से अच्छा ये कर सकते हैं। जैसे कोई भी अगर मल्टीप्लाई दे, जैसे 89 - 2 - 41 - 4 - 9, सही है आपका।